महोदय, आपने इस प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, यह अभिभाषण अद्वितीय है, इस सरकार के स्वप्नों का, संकल्पों का प्रतिबिंब है और जिस प्रकार से हम आगे कार्य योजना बनाने जा रहे हैं उसका एक विजन डॉक्यूमेंट भी है। मैं साथ ही साथ महामहिम राज्यपाल को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने हल्ले हंगामे में जिस शांति के साथ, जिस धैर्य के साथ उन्होंने अपना अभिभाषण पढ़ा वो वास्तव में सराहनीय है। मुझे एक शेर याद आ रहा था कि ये सुने न सुने अपना बयान जारी रख, आवाम सुन रही है ये दास्तान जारी रख, और इनके हाथ का पत्थर रहम न खाएगा, लहू लहान परिंदे अपनी उड़ान जारी। इस प्रकार से महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया है, हम सब लोग उनका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ मान्यवर, हमारा एक और निवेदन भी है, हम जनप्रतिनिधि जनता से चुनकर आते हैं और जनता हमको अपना नेता मानकर यहां भेजती है। हमारा आग्रह है पूरे सदन से और खासतौर से विपक्ष से कि जब भी इस प्रकार का संचालन हो तो हम जनता की भावनाओं का आदर करते हुए अपना आचरण और व्यवहार सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही करें। मानव, एक बात आई थी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की, नेता प्रतिपक्ष कल बोल रहे थे पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की। हमारी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जनता ने दो बार सिद्ध की है। भगवत गीता के 6वें अध्याय में लिखा गया है कि जो व्यक्ति अनाशक्त भाव से कर्तव्य करता है वही योगी कहलाता है, और यह हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसा योगी गीता के 7वें गीता के संदेश पर हमको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मिला है। ऐसे तपस्वी, ऐसे ओजस्वी, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जनता ने जिस प्रकार से क्रेडिबिलिटी हमको दी है वोटों के रूप में, सरकार स्थापित की है, वो सत्ता पक्ष विपक्ष के सामने अपना स्थापित कर चुका है। और मान्यवर, यही नहीं, जब विपक्ष की सरकारें हुआ करती थी तब उनकी क्रेडिबिलिटी क्या थी? तब उनके 3 C काम करते थे, 1 क्राइम, 2 कास्टिज्म और 3 करप्शन। मान्यवर, अगर बसपा के कार्यकाल का कोई व्यक्ति ये कहे कि हम कास्टिज्म उत्तर प्रदेश से मिटाकर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति इसको मानने वाला नहीं होगा, ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। अगर कांग्रेस करप्शन हटाने की बात करे तो कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से क्राइम हटाने की बात करती है तो उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक उसको मान्य नहीं करेगा, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। और हमारी क्रेडिबिलिटी ये है कि आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम न केवल पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी अपनी स्थापन कर रहे हैं बल्कि सोशल क्रेडिबिलिटी और फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी भी स्थापित कर रहे हैं। हमने फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी स्थापित की है मान्यवर, इसका एक नजारा अभी अभी इन्वेस्टर समिट में हमको देखने को मिला, जब देश और विदेश से बहुत सारे उद्योगपति हमारे यहाँ लखनऊ में आए थे और इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। कई देशों के प्रतिनिधि यहां पर आकर उन्होंने MOU साइन किए हैं, कुल 18,000 MOU माननीय योगी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में यहां साइन हुए हैं, और इसी के साथ 33.5 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आया है जो हमारे लक्ष्य से 3 गुना था। और सिर्फ यही नहीं, मान्यवर, जिलों में भी निवेश आया है। जैसे मैं फर्रुखाबाद की पावन धरती से आता हूं, पहली बार इतिहास में फर्रुखाबाद में 4,000 करोड़ के लगभग निवेश वहां पर निवेशित होने वाला है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अपने आप में एक इतिहास है। इस प्रकार से मान्यवर, ये संभव इसलिए हुआ है क्योंकि हम जो आमूलचूल परिवर्तन लाए हैं कानून व्यवस्था में, जिस प्रकार से सपा के शासनकाल में जो स्थिति कानून व्यवस्था की थी उसमें हम आमूलचूल परिवर्तन लाए हैं, और इसको उद्योगपतियों ने, इसको उद्यमियों ने देखा है और आज उनका विश्वास हमारी सरकार के प्रति बढ़ा है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में जाकर उद्योग लगा सकते हैं, हमें भयमुक्त और अन्यायमुक्त वातावरण प्राप्त होगा। कोई भी उद्यमी हो वो ये चाहता है कि उसको सुरक्षा की गारंटी मिले, वो ये चाहता है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, मूलभूत ढांचा उसको मिले। माननीय योगी जी की सरकार में जिस प्रकार से अपराध मुक्त काम हुआ है, आज जो भूमाफिया हैं वो भी जेलों के पीछे हैं, 2,000 करोड़ की ऐसी अतिक्रमण की हुई जमीन को हमारी सरकार ने अधिग्रहित किया है जो जहां पर गरीबों के लिए आवास बनने जा रहे हैं। इसी प्रकार से बिजली के क्षेत्र में हमने काम किया है, सारे मजरे का विद्युतीकरण हो गया है,
जो गरीब तबका था उनके लिए निशुल्क विद्युतीकरण हमने दिए हैं। आज पूरे प्रदेश में विद्युत जिस प्रकार से आ रही है वो उसी तुलना स्वाभाविक रूप से पिछले सरकारों के कार्यकाल से की जा रही है। इसी तरीके से हर घर को नल से जल हम देने जा रहे हैं। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया है, बच्चों को जूते मोजे हमने दिए हैं, यूनिफॉर्म दी है, कायाकल्प किया है विद्यालयों का, आज गुणवत्तापूर्वक शिक्षा वहां हो रही है। और यही नहीं, हम डिजिटल लिटरेसी ला रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कंप्यूटर और इंटरनेट पर जाने, इसके लिए लगभग 1 करोड़ ईमेल आईडी छात्र छात्राओं के लिए सृजित की जा रही है। जो राजकीय महाविद्यालय हैं उसमें हम ई लर्निंग पार्क खोलने जा रहे हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनका भी उच्चीकरण करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पूरा आमूलचूल परिवर्तन हम करने जा रहे हैं और नकल नेटवर्क को भी हमने ध्वस्त कर दिया है। इसी प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में आज ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगती है, आज तमाम नए उपकरण खरीदे जा रहे हैं, आज प्रदेश में 69 जिलों में डायलिसिस की निःशुल्क सुविधा दी गई है, आज नए नए मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश को कोविड से हमने मुक्त कर दिया है। इस प्रकार का काम माननीय योगी जी ने किया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया है। इसी प्रकार से कृषि के समाप्त करें, किसानों को हम सुविधा दे रहे हैं, किसानों को हम सिंचाई की नई नई योजनाएं दे रहे हैं, अच्छे उन्नत उर्वरक दे रहे हैं, अच्छे बीज दे रहे हैं और किसान की आयु को दोगुना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि आगे आने वाले बजट में उनके निजी नलकूपों को हम फ्री कनेक्शन देने जा रहे हैं। मानवर पर्यटन के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था पूरे भारतवर्ष में नंबर 2 पर आ गई है। हमारा राजकोषीय घाटा घटा है, हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, हमारा GSDP उछला है और आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन बनने के लिए तैयार है। और जो लक्ष्य माननीय योगी जी ने रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको हम पूरा करके रहेंगे। मानवर हमारे क्षेत्र फरुखाबाद में श्री महेंद्रनाथ यादव जी भूमिगत केबलीकरण का एक प्रस्ताव लंबित है शासन के पास, कृपया चाहता हूँ कि उसको शासन स्वीकृत कर दे। इसी प्रकार से एक रिंग रोड और बाईपास का प्रस्ताव है, उसमें भी शासन की अनुकंपा हो जाए। और जिले में एक मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। एक गंगा एक्सप्रेसवे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि उसको लिंक एक्सप्रेसवे देंगे हम फरुखाबाद से, जब समय होगा वो आएगा, इसके लिए मैं बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ। और उसी प्रकार से हमारे यहाँ रामनगरिया मेला होता है पवित्र माँ गंगा के तट पर, अगर उसका शासन संज्ञान ले और उस पर धनराशि आ जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा शासन का। मैं पूरी अपनी भावना से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरे सदन को इतनी शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।